नमस्कार, मैं हूं सलमान खान और आप देख रहे हैं राष्ट्र खबर। बात करते हैं खेल जगत की। गुरुवार को बांग्लादेश के खिलाफ विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत का होम सीजन में यह नौवां टेस्ट मैच है, जिसमें से भारत ने 8 मैच जीते हैं। इसके साथ ही भारत में टेस्ट खेलने वाली बांग्लादेश 9वीं टीम बन गई है। वहीं अजिंक्य रहाणे की टीम में वापसी हुई है, तो पिछले टेस्ट मैच में नाबाद 303 रन बनाने के वाले करुण नायर को टीम में जगह तक नहीं मिल पाई। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा पड़ सकती है मुश्किल में। सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ने उन्हें टैक्स भुगतान नहीं करने के मामले में समन जारी किया है। सर्विस टैक्स भुगतान मामले में टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को सेवा कर विभाग द्वारा नोटिस भेजा गया है। हैदराबाद में प्रधान आयुक्त सेवा कर कार्यालय द्वारा 6 फरवरी को इस टेनिस स्टार को समन जारी किया गया और उन्हें या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को 16 फरवरी को उपस्थित होने को कहा गया। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक सानिया के खिलाफ 20 लाख के टैक्स चोरी का मामला है। बंगाल में क्रिकेट एकेडमी खोलेंगे महेंद्र सिंह धोनी, निभा सकते हैं कोच की भूमिका। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जल्द ही पश्चिम बंगाल में क्रिकेट एकेडमी खोल सकते हैं। धोनी पूर्व रणजी खिलाड़ी मिहिर दिवाकर के साथ यह एकेडमी खोल सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धोनी की यह एकेडमी अप्रैल में शुरू होगी। लगभग 200 एकड़ में बन रही है यह एकेडमी। धोनी के दोस्त और पूर्व क्रिकेटर शुभमोय दास भी उनकी मदद कर रहे हैं। तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली झारखंड की मधुरानी मार्डी आर्थिक तंगी से इस कदर टूट चुकी हैं कि वह उस कार्बन धनुष तक को बेचना चाह रही, जिसे भारतीय तीरंदाजी संघ ने उन्हें सम्मान स्वरूप प्रदान किया था। एक दुर्घटना के बाद से उनके पति बिस्तर पर हैं, इस कारण घर परिवार चलाना उनके लिए मुश्किल हो गया है। उम्मीद थी कि उपलब्धियों को देखते हुए राज्य सरकार उनकी सहायता करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कार्बन धनुष बेचने से लगभग 1.5 लाख रुपए तक मिल सकते हैं, इससे कुछ हद तक उन्हें राहत मिल जाएगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने विश्व कप क्वालिफायर में ग्रुप ए के दूसरे मैच में थाईलैंड को 9 विकेट से मात दी। कोलंबो क्रिकेट क्लब ग्राउंड पर खेले गए मैच में जीत हासिल करने के साथ ही भारतीय टीम ने अपने खाते में 2 अंक जोड़ लिए हैं। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी थाईलैंड की टीम भारतीय महिला गेंदबाजों के आगे टिक नहीं पाई और 29.1 ओवर में 55 रनों पर ही सिमट गई। टीम की कोई भी बल्लेबाज 10 रन तक नहीं पहुंच सकी। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम के लिए जीत हासिल करना बेहद आसान था। भारत ने केवल 1 विकेट के नुकसान पर इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। नई दिल्ली में चल रही एशियन ट्रैक चैंपियनशिप के दूसरे दिन साइकिल रेस के बीच एक हादसा हो गया। रेस के बीच एक साइकिल सवार का संतुलन बिगड़ने से 3 साइकिल सवार हादसे का शिकार हो गए। साइकिल रेस के जूनियर मैन 6 लैप मुकाबले के दौरान ईरान के कसारा, मलेशिया के अलिफ एमन और साउथ कोरिया के जिनसिक यांग हादसे की जद में आ गए। ये फाइनल मुकाबला इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हो रहा था। इन तीनों प्रतियोगियों को हादसे के फौरन बाद लोक नारायण जयप्रकाश नारायण अस्पताल ले जाया गया। कुछ देर अस्पताल में जांच के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। लगातार हार झेल रही दिल्ली वेव राइडर्स ने बुधवार को अपने घरेलू मैदान पर हॉकी इंडिया लीग के 5वें संस्करण में अपनी पहली जीत दर्ज की। खाता खोलने को बेताब दिल्ली ने शिवाजी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में उत्तर प्रदेश विजार्ड्स को 8-1 से करारी शिकस्त दी। दिल्ली ने यूपी को अंक तालिका में भी पछाड़ दिया है। अब दिल्ली 5वें स्थान पर आ गई है। यूपी 6 टीमों में सबसे निचले पायदान पर खिसक गई है। 7 बार के राष्ट्रीय चैंपियन भारत के स्टार पेडलर शरद कमल मानते हैं कि 14 फरवरी से होने वाला इंडियन ओपन ITTF वर्ल्ड टूर भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ियों के लिए शानदार मंच होगा। टूर्नामेंट के महत्व पर शरद ने कहा, यह बहुत बड़ी बात है कि ओलंपिक पदक विजेता इस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए भारत आ रहे हैं। जब आप उन्हें अपनी आंखों के सामने खेलते हुए देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि वे किस तरह से अपनी तैयारियां करते हैं। युवा खिलाड़ी इस टूर्नामेंट से बहुत कुछ सीखकर अपने खेल को और निखार सकते हैं। 20 साल बाद पश्चिम बंगाल टेबल टेनिस में एक बार फिर से राष्ट्रीय महिला टीम चैंपियन बनी है। हरियाणा के मानेसर में आयोजित प्रतियोगिता में बंगाल को यह खिताब दिलाने में 39 वर्षीय आनंदिता चक्रवर्ती ने अहम भूमिका निभाई है। आनंदिता अपने से आधी उम्र की खिलाड़ियों के साथ भिड़ी। आनंदिता ने कहा कि उम्र के इस पड़ाव पर फिट रहना कठिन है, लेकिन उनके ट्रेनर कड़ी मेहनत करते हैं। आनंदिता इस बात से भी इनकार नहीं करती कि एक दिन वह अपनी बेटी के साथ भी किसी प्रतियोगिता में उतर सकती हैं।
राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने सोमवार को इस बात का दावा किया कि डोपिंग का उल्लंघन करने वाले देशों की सूची में से भारत की शर्मनाक ऊंची रैंकिंग अब बदल जाएगी। नाडा ने भारत की रैंकिंग के सम्मानजनक होने की उम्मीद इसलिए जताई है क्योंकि उसने अपनी निगरानी प्रणाली में सफलतापूर्वक लगाम कसी है। नाडा ने 2016 के दौरान शीर्ष स्तर के एथलीटों पर अपनी निगरानी प्रणाली को कसा है और पंजीकृत परीक्षण पूल में कुल 151 परीक्षण किए थे, जो कि इससे पिछले वर्ष 2015 के दौरान किए गए 148 परीक्षण से कहीं ज्यादा थे। खेल जगत में आज के लिए इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्र खबर।